नोरा फतेही बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक है। नोरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी हैं। नोरा ने कम वक्त में ही ज्यादा फेम पा लिया है। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही अपने लेटेस्ट वीडियो या डांस नंबर्स को लेकर अक्सर ट्रेंड में रहते हैं। इसी बीच में इस मुकाम पर पाने के लिए उन्हें कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इसके बारे में एक इंटरव्यू में नोरा ने बताया। हाल में ही नोरा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल भरी जिंदगी को लेकर के बात कही है। नोरा ने बताया कि उनके परिवार में सिर्फ वही हैं जो पैसे कमाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा पैसों को प्राथमिकता देती हैं। नोरा कहती हैं कि मैं 24 घंटे काम करती हूँ, मैं एक दिन में एक साथ 3 शूट करती हूँ और ऐसा करने के लिए मेरे पास अपने कारण हैं। मेरा कारण ये है कि मैं अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली हूँ। नोरा आगे कहती हैं कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे सपनों के लिए और मेरे किराए का भुगतान करे। मैं हर चीज खुद पर खर्च करती हूँ, खुद से कमाती हूँ और अपनी माँ, अपने भाई बहनों का ख्याल रखती हूँ, अपने दोस्तों का ख्याल रखती हूँ। इसी के साथ नोरा ने उन महिलाओं का उदाहरण भी दिया जो अपने पार्टनर्स पर निर्भर रहती हैं और अलग होने की स्थिति में उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। मडगांव एक्सप्रेस एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वे अपनी युवा अवस्था का आनंद नहीं ले पाई। 16 साल की उम्र से ही नोरा ने कमाना शुरू कर दिया था। नोरा फतेही को फिल्म सत्वमेव जयते, बाटला हाउस, मरजामा और थैंक गॉड जैसी लोकप्रिय फिल्मों में डांस करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने हाल में ही विद्युत जामवाल की क्रैक और कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस में अपनी कला का प्रदर्शन किया है।